सुल्तानपुर जिले के विकासखंड कुरुवार की ग्राम सभा मंजना में कागजों पर विकास दिखाकर ग्राम प्रधान और सचिव ने डकारे करोड़ों। ग्रामीणों ने जमीनी हकीकत से जिला प्रशासन को कराया अवगत। प्रशासन द्वारा जांच अधिकारी नियुक्त कर प्रधान और ग्राम सभा सचिव के खिलाफ जांच बिठाई। मामले को बिगड़ता देख ग्राम प्रधान और ग्राम सभा सचिव अब ग्रामीणों को अपने हमवार करने में लगे हैं। आपका नाम? नाम आमिना है, ग्राम सभा। लैट्रीन आपकी है? ये लैट्रीन आधी क्यों है? अब हमें क्या पता का है यार। नहीं नहीं, आपने लैट्रीन बनवाया था? नहीं, प्रधान बनवाया। हाँ, प्रधान ने जब लैट्रीन बनवाने आए थे तब मतलब कैसे आधी इसको घर आधी करके क्यों गए? अब ये बना के सनाथ श्री जगाओ मरिया। मेरी पत्नी का नाम श्री विश्वनाथ देवी भाई साहब राम। आपके यहाँ प्रधान द्वारा जो है क्या विकास कराया गया? विकास तो मतलब हमारी समझ नहीं है। यहाँ तक है मतलब हम लोग गाँव में जाते हैं खेतों में तो साइकिल कंधे पर लटक के जाते हैं। देखे जो है सरकार की जो है प्रमुख जो है स्वच्छता अभियान को लेकर के शौचालय का मामला कुछ नहीं है। गाँव में हमारा एक मैंने हनुमान जी का मंदिर प्रॉपर मंजना में बनवाया हुआ है, जिसमें तो ग्राम प्रधान के द्वारा या किसी स्कीम द्वारा गांव के नाली बनवा दी गई है, लेकिन वो गांव का पानी निकलने के कोई रास्ता नहीं। पूरा कचरा दरवाजे के ऊपर से जाता है क्योंकि हनुमान जी का मंदिर है। वो मौके पर अषाढ़ में अगर आप देख लें तो पूरा मतलब लैट्रीन से गांव की बह करके जा रही है पानी। शौचालय मेरी वाइफ विश्वा देवी वाइफ ऑफ रामपन, इनके नाम से कागज में लैट्रीन बन चुकी है, लेकिन अभी आज तक लैट्रीन मौके पर भी नहीं बनी। अगर बनी हुई है तो कहा हमारा सचिव महोदय श्री पटारी जी से निवेदन है कि हमारी लैट्रीन मार कर दिखाए वो कहाँ बनी। ग्राम सभा में बैठने के लिए जो है सरकार ने कोई सुविधा नहीं, कोई सुविधा नहीं। हमने हनुमान जी के मंदिर के लिए भी एक रिक्वेस्ट किया, जो तुम हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, हमने कहा धर्म के नाम पर आप किसी कोटे से दीजिए। अभी आज तक नहीं मिला, ना कोई लाइट मिली हुई मंदिर के लिए। मतलब मैं अपने लिए पर्सनल नहीं मांग रहा हूँ, मैं धर्म के नाम पर मां कहीं लाइट लग जाए या अपने आई है कि नहीं आई है, जैसे कि अपने सीटें वगैरह हर जगह व्यवस्था हुई है। अभी हमारे पास अभी नहीं, मतलब सार्वजनिक के तौर पे एक मंदिर स्ट्रीट हो जाए या कोटा हमारा कोटा राशन का नहीं, कोटेदार तो उसे कोई तकलीफ, हमको राशन बराबर मिलता है। अगर नहीं मिलता तो बेचारे हमको बोला कि कोई दिक्कत नहीं पड़ी। बस अब हमारा मतलब खेतों की और आवाजाही के लिए कोई साधन नहीं है। क्या नाम है आपका, किस मामले को लेकर आपने शिकायत किया? हमारा नाम अमित कुमार सिंह है, हमने जो है शौचालय आवास नाली के बारे में शिकायत किया था। हमने पत्र शपथ पत्र दिया था 10/2/2020 को, हमने एक शपथ पत्र दिया था जो कि उनके माध्यम से टीम गठित करके जांच कराई जा रही है। हमारे यहाँ 536 शौचालय आया था, जिसमें से 216 बने हुए, 320 शेष रह गया है। उसकी शिकायत हमने किया है। कॉलोनी आवास के विषय में मैंने किया है, पात्र को नहीं मिला है, पात्र को मिला है, पति को मिला है, पत्नी को मिला है, औरों को नहीं मिला। एक मतलब एक एक घर में दो दो तीन तीन कॉलोनियाँ मिली, इसी विषय में हमने शिकायत किया था, इसकी जांच चल रही है। कॉलोनी को ही लेकर के शिकायत है कि जो है जैसे और भी स्वच्छता अभियान को लेकर के विकास को लेकर के भी शिकायतें की गई? नहीं नहीं, और कई मुद्दे पे हैं, शौचालय पे है, आवास पे है, सोलर लाइट पे है, बेंच पे है, कई मुद्दे खरीदे पे है, नाली बनी हुई है, सफाई हो रही है, नहीं हो रही है, कई मुद्दे पे है। बेंच और सोलर लाइट में क्या मामला? सोलर लाइट एक भी सोलर लाइट का नहीं, एक भी सोलर लाइट यहाँ लगी नहीं है, बेंच भी नहीं लगी है, और इज्जत घाट गड्ढे नहीं है, जो बना भी है उसमें सीट और गड्ढे ही नहीं है, उसी का जो है जांच चल। क्या आप बता सकते हैं कि सीट और उसके जो है कितना भुगतान हुआ होगा? भुगतान सर पूरे का 536 का टोटल हो गया जी। अभय कुमार सिंह द्वारा जिलाधिकारी महोदय को एक पत्र दिया गया था ग्राम सभा के कुछ बिंदु थे जांच करने के लिए, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में आज हम यहाँ पे जांच करने के लिए आए। जांच क्या कुछ सामने आया? नहीं, अभी तो जांच की प्रक्रिया चल रही है, जांच कंप्लीट होने के बाद तो क्या दशा।